Good morning, everyone. कैसे हो आप सभी? आज हम पॉइंट को लेते हुए बहुत गहराई से और सीरियसली बात करते हैं, उस टॉपिक को बहुत डीपली जाते हैं। इस टॉपिक में हमारा हर टाइप से एक ही जवाब होता है कि इंसान अपनी ताकत को अंदर से कैसे जाने, कैसे पहचाने। हमारे अंदर वो टैलेंट छुपा है लेकिन हम उसको सही यूज क्यों नहीं कर पाते, इस बात को बहुत गहराई से समझना और सीरियसली होकर पूरा फोकस करना है और मल्टी लेवल में आपको बहुत सीरियस सोचना है। दोस्तों, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी पावर्स होती है लेकिन हम उनको यूज नहीं करते, इसलिए वो साइड में रहकर जिंदगी भर मृत होती चली जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, इस चीज को पहचानने की कोशिश करना और समझना। एक बार एक राजा था, उसके पास दो बाज थे, बहुत पावरफुल बाज थे। उन्होंने जब दो बाज के बच्चों को पाला तो जवान कर दिया और जब यंग हो गए तो उनके लिए सब कुछ फैसिलिटी थी, हर चीज उनको अवेलेबल होती थी। लेकिन राजा एक बार उनकी परीक्षा लेना चाह रहा, उसको जंगल में आसमान के अंदर उड़ाना चाह। मैंने कहा था हवाई जहाज की पहचान तब होती है जब आसमान का सीना चीरे, एक पानी के जहाज की पहचान जब होती है जब समुद्र का सीना चीरे। ऐसे ही उन पक्षियों की पहचान जब थी जब वो हवाओं के ऊपर उड़े। तो दोस्तों, उसने पहचानने के लिए एक ट्रिक या एग्जाम्पल अपनी लाइफ में लिया। होता क्या है, तो जब उनका चल रहा था उन्होंने एग्जाम लेने के लिए सोचा, पास में एक पेड़ था वहां उन्होंने छोड़ दिया और कहा उड़ने के लिए वार्निंग दिया। तो एक बार थोड़ी देर उड़ा उस पेड़ की डाल पर बैठ गया। जब पेड़ की डाल पर बैठा तो सब कुछ अपोजिट हुआ। राजा सोच रहा था आखिरकार ऐसा कैसे हुआ कि एक बाज तो पूरा आसमान में उड़ रहा है, दूसरा पेड़ की डाल पर उड़ा कुछ देर के लिए बोला फिर उसके पास आ गया। और राजा बड़े परेशान हुआ कि पूरे आसपास के डॉक्टर, विद्वान, वैज्ञानिक सब दार्शनिकों को बुलाया, क्या किया जाए कि ये बाज आसमान में उड़े। तो दोस्तों, इस तरह का सिलसिला जारी हुआ और चलता रहा। सभी तरह के लोगों को सब बुलाया, कंपार्टमेंट किया और जब सोचा समझा पाया लास्ट का रिजल्ट निकला कि सारे लोग इससे परेशान हो चुके थे, उन्होंने जोर लगा लिया लेकिन वो बाज नहीं उड़ सका, उसी डाल पर बैठा हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, विद्वानों को बुला लिया था लेकिन सारे प्लानेशन अनसक्सेसफुल हुए। राजा बड़ा उदास हो गया, टाइम से डिप्रेशन में चला गया। आखिरकार ये बाज उठता है, ये मेरी लाइफ की बड़ी एक प्रश्न तमन्ना है, जब बाज उठेगा तो बड़ी खुशी मिलेगी मुझे। दोस्तों, हुआ क्या, जब सारे काम खत्म हो चुके थे, एक पागल सा इंसान, एक बुजुर्ग इंसान आ रहा था। उसने कहा इस चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूं और ये करके दिखा सकता हूं। कुछ देर गया, उसने कहा ठीक है मुझे 2 घंटा दीजिए, 2 घंटे में सब कुछ कर सकता हूं। उसने कहा यार ये लड़का तो ऊपर से नीचे तक हमारा इंसान है, क्या ऐसा काम कर सकता है? उसने कहा दैट इज डेफिनेटली श्योर। वो पेड़ पर चढ़ा, एक आ रहा यार उस रस्सी डाल पर बैठा हुआ था, उसको डाल को फाड़ दिया। जैसे पेड़ बाज नीचे गिरने लगा तो आसमान में उड़ान भरने लगा। इस चीज को देखकर बड़ा खुश हुआ, जो दुनिया के लिए पॉसिबल और असंभव काम था इम्पॉसिबल था उसको संभव कर दिया। जो लोग इंसान पागल दिखाई देते वो लोगों ने इस दुनिया के अंदर इतिहास को बहुत बड़ा रचा है। इतिहास को रचना समझना नहीं है, समझदार लोग इस दुनिया में कुछ नहीं करते। एक वैज्ञानिक विद्वान था, कहता है प्रोफेसर साहब वो एक नदी में जा रहा है घूमने गई है और कहा क्या आप हिंदी पढ़े हो? जो नाव थी नाव में बैठा हुआ था ट्रैवल के लिए लिखा और खुश होने जा रहा था, बहुत खुश था, सोचा कि करोड़ों रुपए कमा रहा था, सोचा कि मैंने तो दुनिया की हर चीज सीखी है, पढ़ा लिखा फुल था, एजुकेशन लाइफ से क्वालिफाइड था। दोस्त होता क्या कह रहा है क्या, तो नाव का ड्राइवर था बोट, उसने कहा क्या आप हिंदी पढ़े? उसने कहा साहब मैं हिंदी पढ़ा नहीं हूं, मुझे यार आपने तो आपकी आधी चीज ही खराब कर दी। उसने कहा क्या आप इंग्लिश पढ़े? उसने कहा नहीं पढ़ा था। तो आपने 75% लाइफ खराब कर दी। उसने कहा क्या विज्ञान या फिर गणित जानते हो? उसने कहा साहब मैं बहुत गरीब परिवार से हूं और मुझसे ऐसे सवाल जवाब ना करो, मुझे नहीं आता। तो उसने कहा आप तो बिल्कुल ही बेकार हो जिंदगी में, बस मराई के बराबर हो, डेढ़ बूढ़ी आप तो क्या करोगे? यार बात समझ में, उसने क्या हुआ था कि समुद्र में जा रहा था, जब अंदर जा रहा था नाव में ट्रैवल करके एंजॉय ले रहा था, अचानक समुद्र के अंदर 4 घंटा चक्रवात आता है और लहरें उड़ान भरने लगती है। उसने कहा कि आप तैरना जानते हो? आपके जो ड्राइवर था वो गया, उसने साहब नहीं जानता कि चलो मैंने तो सब जिंदगी खराब कर दी लेकिन आपको तो समुद्र में डूब कर ही मरना होगा। आगे कार हुआ भयंकर तूफान आया, नाव पलट गई, वो डूब कर मर गया। तो कुछ लोग ज्ञान में इस प्रकार होते हैं, जो खोए रहते हैं उनको ये पता नहीं हम क्या है। लेकिन साथियों,
इस चीज के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा अपने आप के पास सब कुछ होते हुए भी लिखा भी आपको कभी ईगो नहीं करना है। जिस दिन आपने ईगो कर लिया उस दिन आपकी जिंदगी का पता होने लग जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक फेमस मूर्तिकार था, हर मूर्तिकार का एक लड़का था। जब मूर्तिकार बूढ़ा हो चुका था तो उसका लड़का भी बहुत शानदार मूर्ति बना, लेकिन सबसे बड़ा यह था कि जब भी उसके पापा को मूर्ति दिखाता कभी उसकी तारीफ नहीं करता था, बोलता था खास अच्छी नहीं। ये बात चलती रही लॉन्ग टाइम से। तो आज तक उसके पापा ने उसकी मूर्ति की उसकी बनावट की कला की कभी तारीफ नहीं की। उसका लड़का बड़ा परेशान था। एक बार एक बहुत बड़ी सर सम्मेलन हुआ, उसने कहा कि मैं एक फेमस मूर्ति बनाने की कोशिश करूंगा, इसको पूरी दुनिया देखेगी कि उसके अंदर वो टैलेंट होगा, एक नया और वंश होगा। उसने कहा रियली, उसने कहा श्योर 1000%। तो उसने बनाई और उसके बाद वो मूर्ति को सेल किया, वो सारे लोगों ने तारीफ की और वो मूर्तिकार उसका पापा भी उसकी बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहा था। और जब उस मूर्ति का पीछे छुप रहा था, छुपकर उसकी तारीफ को सुन रहा था, बड़ा खुश हुआ था। जब पूरी बात कंप्लीट आई तो वो सामने आया, पापा जी ये मूर्ति मैंने बनाई। उसने कहा देखो बेटा मुझे पता है आपके अंदर क्वालिटी है, टैलेंट है, एबिलिटीज है, लेकिन मैं तारीफ इसलिए नहीं कर रहा आपकी क्योंकि आपके अंदर अहंकार ईगो आ गया तो ये समझो कि लाइफ आपकी हाफ हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ इंसानों के अंदर यही होता है, हम तारीफ करने के बाद अहंकार ईगो आ जाता है, तीन सब दुनिया की बहुत खतरनाक है। यदि मैं सब आपने अंदर ले लिया तो जिंदगी खत्म का मतलब ये कि आधी सी लाइफ आपकी डेड हो जाएगी। मैं एक प्राउड से भरा हुआ, एक ईगो से भरा हुआ अहंकार को प्रदर्शित करता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं सब का मतलब अंदर से हूं, बस मैं सब को आप जिंदगी में एक सीधे यूज कर सकते हो, वो होता मैं इस काम की जिम्मेदारी होता। एंड डूइंग इज पॉसिबिलिटी इन दिस वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस वर्क। कोई भी गलती होती है उस टाइम आप उसको टीम वर्क है, अपना टीम वर्क को बढ़ाइए अपनी लाइफ के अंदर। एक हम सब सोचा हम सबको इस काम को मिलकर बड़ी ताकत बन सकते हैं। The power is the biggest in this world and we fall in every groups would bring me the definitely short. जब हम एक और एक मिलते तो क्या राउंड है, लेकिन सब हमारा हम और आप मिलकर ये काम कर सकते हैं। दोस्तों जब हम कहते हैं हम सब बहुत बड़ी पावरफुल होता है, एक होता है आप किसी इंसान से आप जो इंसान से होते हैं आपका नजरिया थोड़ा सा आइडिया वाकई बड़ा पावरफुल लग रहा होगा, यार आप तो क्या कमाल की बात करते हैं यार, आपकी तो पूछो बस सर आपके बारे में 10-20 लोगों ने बहुत कुछ नया सिखाया क्या, आप लोग की तो हर साइड में तारीफ ही तारीफ होगी। दोस्तों इस चीज को आप तीन शब्द अपने लाइफ में पहचान लिया, यूज करने का टेक्निक सीख लिया, मैं और सोच समझ के अपनी जिंदगी में यूज करो। आप एक बहुत पावरफुल किसी इंसान को बहुत ऊंचाई पे 2 फुट ऊंचा उठाने गए आप, और एक होता है हम जब आप टीम वर्क करते हो और सब वर्क मिलते करते हो, आप बिजनेस करते हो तो हम सबको यूज करो। ये वो शब्द होते हैं जो आपकी लाइफ को पूरा ही चेंज कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों लाइफ एक बार मिलता है, वन टाइम का आपके क्या C1 C+1। जिस दिन आपने जीवन का एग्जैक्टली अर्थ समझ लिया उस दिन पूरी लाइफ चेंज होती चली जाएगी। यार बाकी हो गया, हम सोचते तो बहुत कुछ है, करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन होता नहीं। अक्सर हमारा ऐसा सवाल है, मुश्किल हर जगह मिलता रहता है और ये सवाल मैक्सिमम टकराता रहता है और डमकाता भी है, तड़फड़ाता है प्यास की वजह से, ऐसे सवालों का पर डे की मराठी होती रहती है। तो मेरे प्रिय साथियों जिंदगी में कुछ नया करना है तो उसके लिए बहुत गहराई से समझो। बस मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।